नमस्कार, मैं हूं मयूरी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में सदन आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे विपक्ष के नेताओं और सदन से मुलाकात करेंगे। वहीं इस दौरान विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में लगा हुआ था। बता दें कि बीजेपी लगातार राहुल गांधी में लंदन में दिए भाषण पर हुए विवाद को लेकर माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज सदन में पहुंचे और अपना पक्ष रखे। इसी बीच सदन में जोरदार हंगामा हुआ, जिसको लेकर सदन की कार्यवाही रद्द कर दी गई। बता दें 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही रद्द की गई है। 2 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कसे हुए है। वहीं लगातार एक के बाद एक भ्रष्ट अधिकारियों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी क्रम में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन में तैनात स्टेट ऑफिसर और स्टेट मैनेजर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कंपनियों के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट देने की एवज में वह 1.5 लाख की रिश्वत मांग रहे थे। बता दें कि कंपनियों के कंप्लीशन में 1.5 लाख की मांग की गई। ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो इंडस्ट्रीज को और कंपनीज को जो इश्यू करते हैं, ये उसके लिए पैसा लेते हैं। इसमें जो ये स्टेट मैनेजर है और ये स्टेट ऑफिसर है, ये दोनों इन्वॉल्व है। स्टेट मैनेजर का नाम है विकास चौधरी और स्टेट ऑफिसर का नाम है मनोज कुमार है। तो ये हर कंपनी से ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करने के लिए ये एक फिक्स अमाउंट ये रखते हैं। ये वेरी करता है, 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक जाता है, मगर वो फिर कॉम्प्रोमाइज होता है और पैसा लेते हैं इसमें। करप्शन ब्यूरो लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कसे हुए हैं। वहीं लगातार एक के बाद एक भ्रष्ट अधिकारियों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी क्रम में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन में तैनात स्टेट ऑफिसर और स्टेट मैनेजर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगो हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कंपनियों के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट देने की एवज में वह 1.5 लाख की रिश्वत मांग रहे थे। संभल में नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को लगातार समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शन के 14वें दिन भी सभासद धरने प्रदर्शन पर रहे। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता धरना स्थल पहुंचे, वहीं सभासदों से बात की और उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही उनकी मांग प्रभारी कैबिनेट मंत्री तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान भाजपा युवा ब्रिगेड के जिला मंत्री ने भी सभासदों को वहां पहुंचकर समर्थन दिया। क्या नाम है आपका? मैं सभासद मोहम्मद सरताज, वार्ड नंबर 18 ठीर से निवर्तमान सभासद। आज कितने दिन हो गए आपके अंतर्गत? आज हमें यहाँ 14 दिन हो चुके हैं धरना स्थल को लगातार, हम यहीं पर हैं 24 घंटे। आज किसका समर्थन मिला आपको? आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई माननीय डॉक्टर अरविंद साहब हमारे बीच हमारा समर्थन देने पहुँचे और उन्होंने हमसे वायदा किया है कि मैं इसकी शिकायत माननीय प्रभारी मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों से करूंगा और जल्द से जल्द इसका माननीय डॉक्टर अरविंद जी हमारे बीच धरने के बीच आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और आश्वासन इस तरह का दिया उन्होंने कि मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की होगी और जो दोषी होगा वो चाहे कोई भी हो, इसके अलावा और कोई बाबू हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, वो तत्काल जेल जाए, ये वो हमसे वादा करके गए। उनके प्रभारी मंत्री भी आ रहे हैं
उन्हें अवगत कराएंगे, उनसे बात करेंगे, हो सकता है वो हमसे धरने पर मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि इसका जो मामला है धरना प्रदर्शन का, आज चौथवा दिन हो गया। अधिकारी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, आज कितने दिन हो गए आपके धरने प्रदर्शन? हमें आज यहाँ बैठे हुए 14 दिन हो गए, लेकिन कोई भी अधिकारी हमारे पास अभी तक नहीं आए, जबकि हम यहाँ 14 दिन से भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सारे संगठनों ने हमें समर्थन दिया है, और आज हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जी आज हमारे पास आए। आज उन्होंने हमारा समर्थन किया और उन्होंने हमारी भ्रष्टाचार की लड़ाई को सही बताया और कहा कि ये सत्य है। मुझे कई दिन से मैं सोच रहा था यहाँ पर आने की, कि 14 दिन से क्या ऐसी वजह है कि जो सभासद लोग यहाँ पर हमारे धरने पर बैठे हुए हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और एक अच्छे खासे वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं ये, तो उनको क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी है कि वो धरने पर बैठे हैं। आज मैं पहली आना हुआ मेरा आज, और मैंने इनकी सारी समस्याएँ और सारी जो जनहित की वजह से, ये अपने किसी पर्सनल वजह से नहीं बैठे हैं और पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ भ्रष्टाचार के ऊपर जो हैं उनके ऊपर ये बैठे हुए हैं धरने पर। और मेरा तो कोई अधिकार नहीं है, मगर मैं ज़रूर इसको ऊपर तक पहुंचाऊंगा। संभल में पुलिस ने दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी की 4 बाइक भी बरामद कर ली गई है। वहीं पुलिस ने चोरों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में भेज दिया है। थाना हयात नगर की पुलिस के द्वारा दो अपराधियों, जिनका नाम गुड्डू सुलेमान, नौमान पुत्र इस्लाम, इन दोनों गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों थाना हजरत नगर गढ़ी के रहने वाले हैं। इनके पास से 4 चोरी की बाइक बरामद की गई हैं, जो उन सभी को बरामद करके उनको लिंक किया जा रहा है। इनको गिरफ्तार करते हुए उचित धारा में अभियोग पंजीकृत करके माननीय न्यायालय भेजा जाएगा। चंदौली में बबुरी कस्बे के मदर हलीमा एकेडमी का 13 वर्षीय महोत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों ने वार्षिक उत्सव में धमाल मचाया, साथ ही अपने कार्यक्रम से अभिभावकों का भी मन मोह लिया। इस मौके पर उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बेटे के साथ बेटियों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि बेटे एक घर को शिक्षित करते हैं लेकिन बेटियां दो घरों को शिक्षित करती हैं। मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि मातृशक्ति माँ के लिए ही नहीं बल्कि बेटी के लिए, बहन के लिए भी समान रूप से लागू है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।